इस फ्रैंकलिन का लिटरली में बर्थडे आने वाला है और मैंने फ्रैंकलिन के लिए इतना बढ़िया गिफ्ट रेडी किया है। फ्रैंकलिन का बर्थडे असल में कल है, तो मैं आज फ्रैंकलिन के घर के पीछे जाके ये वाला सूट छुपा दूंगा। बिल्कुल सही कहा है, उसके बाद कल उसके बर्थडे पर हम ये प्रेजेंट देंगे। बिल्कुल सही कहा दोस्तों, हमारे फ्रैंकलिन का सूट आपको कैसा लग रहा है? एक लाइक तो बनता है फ्रैंकलिन के सूट के लिए, क्योंकि फ्रैंकलिन मेरा बहुत ही अजीज दोस्त है। मैं कल उसको सरप्राइज पार्टी दूंगा, सरप्राइज गिफ्ट भी दूंगा और आप सभी को भी साथ रहना है। चलो मैं जस्ट चलता हूँ और जाकर इस गिफ्ट को मार दिया। अरे बचाओ, कोई मुझे बचाओ, कोई है? ओह नो गाइस, ये क्या हो गया? मेरी वजह से ना जाने कितने लोग मारे जा रहे हैं। नहीं, कोई बचा? हाँ, सब मर गए। अरे नहीं दोस्तों, प्लीज हेल्प मी, प्लीज कोई वीडियो लाइक करो। अरे बाप रे, शाम हो चुकी है, टोनी सर वापस क्यों नहीं आए? लगता है वो हमारे फ्रैंकलिन के घर पे ही रुक गया है, जरूर वो बर्गर पार्टी कर रहे होंगे। बिल्कुल सही कहा, वो पिकनिक मना रहे होंगे। ओ भी उनकी कसम, कहीं वो सरप्राइज प्लान बिगाड़ ना दे। अरे बाप रे, फिर तो हमें जल्दी से कॉल करनी होगी यहाँ पर अपने फ्रैंकलिन को। हेलो, क्या हो गया? अरे हल्क को यहाँ पर टोनी स्टार्क के बारे में जानना है, वो बर्गर क्यों खा रहे थे घर पे? क्या, टोनी स्टार्क तो यहाँ है ही नहीं? क्या वो आया ही नहीं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं आया। क्यों? अरे बाप रे, फिर वो गया कहाँ पर? एक मिनट, ये क्या हो गया दोस्तों? शाम का टाइम हो रहा है और अवेंजर्स बोल रहे हैं टोनी स्टार्क मेरे घर पर है, लेकिन टोनी स्टार्क तो यहाँ पर आया ही नहीं है। अरे बाप रे फ्रैंकी भैया, लगता है टोनी भैया न्यूयॉर्क गए होंगे। यही हो सकता है। लेकिन वो अवेंजर्स से क्यों बोला हमारा घर पर आ रहा है? बाप, मुझे लगता है कुछ गड़बड़ा है। अरे चॉप, तू तो हमेशा शक ही करता रहता है। खैर गाइस, टोनी स्टार्क ठीक ही होगा, वैसे टोनी स्टार्क ठीक तो है ना? गाइस अगर टोनी स्टार्क ठीक है तो प्लीज कमेंट में यस लिखो, ठीक नहीं है तो नो लिखो। अरे बाप रे फ्रैंकी भैया, यहाँ पर ये क्या हुआ है? ओह माय गॉड, ऐसा लगता है किसी का खतरनाक भयंकर एक्सीडेंट हुआ है दोस्तों यहाँ पर। ऊपर वाला बचा है यार ऐसी चीज। अरे बाप रे, इतना ज्यादा खतरनाक ब्लड। अरे बाप रे फ्रैंकी भैया, ये किसका ब्लड हो सकता है? ओह नो गाइस, यहाँ से लेके वो इंसान, जो भी चीज है जिसका एक्सीडेंट हुआ है, बहुत बुरी तरह से घसीटा गया है भाई। क्या खतरनाक एक्सीडेंट हुआ है दोस्तों। खैर ये बात हम बाद में पता करेंगे, पहले मुझे ये पता करना होगा कि टोनी स्टार्क कहाँ पर है। बाबा तो कल बाबा, मुझे डर लग रहा है भाई, बाहर जाना है। चुप कर चॉप, हमें यहाँ पर पता करना पड़ेगा टोनी स्टार्क असल में गया क्या है। हो सकता है वो किसी खुफिया मिशन पे चला गया हो। लेकिन वो अवेंजर्स की शादी जाएंगे ना? अरे नहीं, तुम जानते हो वे टोनी स्टार्क को, वो हजार काम एक समय पर करना चाहता है। हल्क को यहाँ पर बहुत दुखी हो रही है, वो अकेला पार्टी करने गया है। अरे वो पार्टी करने नहीं आया सच में, तुम क्या बोल रहे हो? लेकिन फिर वो गया क्या है? मुझे उसकी चिंता हो रही है। अरे मेरे टोनी सर कहाँ पर चले गए? वो तो तुझे प्रेजेंट गिफ्ट देने आए थे। अरे बाप रे, सारा भांडा फोड़ दिया। क्या, कौन सा प्रेजेंट गिफ्ट? ओ यूसम, अब जब पता चली गया तो बता देते हैं, कल तेरे बर्थडे की वजह से हमारा टोनी स्टार्क तुझे बर्थडे पार्टी के लिए एक खतरनाक आयरनमैन का सूट देना चाहता था। लेकिन एक मिनट, मेरा तो कल बर्थडे है ही नहीं। अरे ये क्या, तेरा बर्थडे कल नहीं आता? नहीं, मेरा बर्थडे तो 3-4 महीने बाद है। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? ओ नो दोस्तों, टोनी स्टार्क को भी गलतफहमी हो गई थी। गाइस ये सब क्या चल रहा है? मेरा भाई मेरे लिए इतना बढ़िया सरप्राइज गिफ्ट रेडी कर रहा था, हालांकि कल मेरा बेशक बर्थडे नहीं था, लेकिन फिर वो दिल से चीजें कर रहा था टोनी स्टार्क के साथ। गाइस कुछ तो गलत हुआ है, हमें ढूंढना पड़ेगा टोनी स्टार्क कहां पर है। उठिन की कसम, मैं भी चलता हूं। एही फ्रैंकी भैया, जल्दी ढूंढो, कहां पर है हमारी टोनी भैया? कहीं उनको किसी ने किडनैप तो नहीं कर लिया? हल्को यहां पर बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है कि कल फ्रैंकलिन का बर्थडे नहीं है, बर्थडे पार्टी नहीं होगी। टोनी स्टार्क मिल गया तो बर्थडे पार्टी पार्टी है यार, लेकिन पहले टोनी स्टार्क मिलना भी तो चाहिए। एक मिनट दोस्तों, ये ब्लड मुझे पहले भी दिखा था, फिर से दिखाया। अरे बाप रे, कहीं है टोनी स्टार्क से रिलेटेड तो नहीं है? लेकिन वो कैसे गया था, मतलब अपने आयरन मैन के सूट में गया था नॉर्मली? अरे उसके पास आयरन मैन का सूट था, तो फिर उसको इतनी चोट थोड़ी लग सकती है गाइस। मेरे हिसाब से तो गाइस मुझे इन्वेस्टिगेट करना होगा असल में किसका ब्लड है। दोस्तों मैं यहां पर पूरी कोशिश करूंगा। उठिन किसम, मैं भी इन्वेस्टिगेट करूंगा। मैं भी अपने जादू से पता करूंगा किसका ब्लड है। बिल्कुल सही कहा, हम अपने टोनी स्टार्क को ढूंढ कर रहेंगे, वो गया कहां पर। बिल्कुल सही कहा, टोनी सर को ढूंढ लेंगे हम। गाइस यार शाम हो चुकी है, रात होने वाली है, मेरे हिसाब से जिसने एक्सीडेंट किया है वो जरूर यहां पर सबूत मिटाने आएगा, जिससे कि पुलिस उसको पकड़ ना ले। यही पिक सही कहा, हो सकता है वो टोनी स्टार्क का ही, हमारे भैया का ही एक्सीडेंट हुआ हो। जल्दी से लेके चलता हूँ टोनी स्टार्क को, इस बेवकूफ ने ना जाने कितने लोगों को मार दिया, अब तो मजा आएगा। मैं टोनी स्टार्क का माइंड कंट्रोल करूंगा, मैंने जो खतरनाक मिस्टर रेड से मशीन चुराई थी वो टोनी स्टार्क पर काम होगी। मैं सारी पावर टोनी स्टार्क के अंदर डाल दूंगा और वही विल बन जाएगा, बहुत मजा आएगा। देखो मेरे बड़े भाई हो, मेरे रेड दद्दू हल्क, मैं यहाँ पर किसको लेकर आया हूँ? अरे बाप रे, ये तो टोनी स्टार्क है, तू उसके साथ क्या करेगा मेरा बच्चा? मैं यहाँ पर इसका माइंड कंट्रोल करूंगा, जिससे कि हम इसकी मदद से करोड़ों रुपये कमाएंगे और नाम खराब अवेंजर्स का होगा। हम इसका माइंड कंट्रोल करके इसको ईविल बनाएंगे। अरे ये तो बहुत ही सही चीज है मेरे भाई। अरे बहुत सही किया मेरा भाई तूने। अरे मेरा बच्चा, जल्दी से इसका माइंड कंट्रोल कर, उसके बाद हम दुनिया तबाह कर देंगे, इसको ईविल बनाकर करोड़ों रुपये कमाएंगे। बिल्कुल सही कहा दद्दू जी, जल्दी से इसका माइंड कंट्रोल करता हूँ।
अरे बाप रे, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं कहाँ पर हूँ? और एक मिनट, तुम लोग कौन हो? मैं कौन हूँ? मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है? सब कुछ धुंधला क्यों लग रहा है? टोनी स्टार्क नाम है तेरा? टोनी स्टार्क नाम है मेरा? और मैं करता क्या हूँ? तू हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, हमारी सारी बातें मानता है। तेरे चोट लग गई थी? मेरे चोट लग गई थी क्या? ये क्या होता है? तू गिर गया था, तू बेहोश हो गया था, लेकिन किसने किया है मेरे साथ? टोनी स्टार्क तेरे दुश्मन आयरन मैन, अवेंजर्स और ये सभी हुआ करते हैं। एक मिनट, मेरे दुश्मन अवेंजर्स हैं? और ये लोग कौन हैं? ये दुनिया के रखवाले बनते हैं। देख, ये तेरा सूट है। ओ, तो मैं इसको पहनता हूँ? बिल्कुल, तू इसको उड़ाता है, चलाता है और तू हमारा ख्याल रखता है। तुम चिंता मत करो दोस्तों, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। बताओ मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कुछ ठीक समझ नहीं आ रहा है। सबसे पहले शहर में जाकर लोगों को मार पीट, क्योंकि वो हमें बहुत सताते हैं। ऐसा? मेरी फैमिली को, मेरे दोस्तों को जो सताएगा वो बिल्कुल भी चैन से नहीं रह पाएगा। मैं भी अपने सूट को पहनता हूँ। दोस्तों, ये टोनी स्टार्क कसम खाता है, मैं अवेंजर्स को चैन से जीने नहीं दूंगा। उनकी बैंड बजा डालूंगा। जल्दी जाता हूँ और जाकर शहरवासियों की बैंड बजाता हूँ मैं पूरी स्पीड में। चलो गाइस, चेक करते हैं जल्दी से जाकर। अरे बाप रे, हल्क कैसे छुपेगा? हल्क तो बहुत बड़ा है। अरे हल्क कहीं भी जाकर छुप जा रहा है। मेरे भाई जल्दी से आ जा। हां फ्रैंकलिन भैया, मैं भी आ रहा हूं। ऑलराइट गाइस, हम ऊंचाई पर छुप चुके हैं। जिसने भी एक्सीडेंट किया है ना, वो जरूर यहां पर इस ब्लड को साफ करने आएगा, जिससे कि यहां पर कोई भी क्लू ना बचे, पुलिस उसको पकड़ ना पाए। बिल्कुल सही कहा। और उसके बाद शायद हम टोनी स्टार्क के खूनी को ढूंढ पाएंगे। ऐसी ऐसी बातें कर रहा है। टोनी स्टार्क कुछ नहीं हुआ उसको, वो ठीक होगा, बिल्कुल ठीक होगा, है ना गाइस? मैं सच कह रहा हूं ना। गाइस देखिए, ब्लड यहां पर पड़ा है अभी भी, और ये ट्रक भी पड़ा है। अरे बाप रे, जल्दी चलता हूं। सारे के सारे क्लूज को साफ करना होगा, कहीं पुलिस मेरा नाम ना रख दे। मेरे ट्रक से एक्सीडेंट हुआ है, मेरा ट्रक सामने था। अरे बाप रे फ्रैंकी भैया, ये तो रेडल का ट्रक था। अरे बाप रे, उस टोनी स्टार्क को लगता है ज्यादा लग गई, उसकी वजह से कम 300-400 लोग और मर गए थे। वो तो अच्छा है मैंने सारी बॉडीज ठिकाने लगा दी थी, वरना मैं फंस जाता। क्या? एक मिनट, इसने टोनी स्टार्क का नाम लिया क्या? गाइस देखिए, यहां पर ये जो ब्लड है, ये शायद टोनी स्टार्क की है। बाप रे, इसका मतलब हमारा चेक सही था, टोनी स्टार्क के ऊपर वाले को प्यारा हो गया। नहीं, टोनी स्टार्क जिंदा होगा, इसने बोला इसने बॉडीज ठिकाने लगाई है। हमें इससे पूछना पड़ेगा। गाइस, ये रेडल बचेगा नहीं, इस रेडल को मैं चांद से मार दूंगा। हे रेडल, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई टोनी स्टार्क को ठोकने की? और मैंने नहीं ठोका था, वो खुद खुशी में उड़ता हुआ आ रहा था बेवकूफ, और मेरे ट्रक में घुस गया। उसके बाद सब कुछ तबाह हो गया, बम बम हो गया। प्लीज मुझे मत मारो। चुपचाप यहां पर बता, तूने आयरन मैन को कहां लगाया? और मुझे नहीं पता, मैंने तो बस डेड बॉडीज को ठिकाने लगाया था। उन डेड बॉडीज में से क्या टोनी स्टार्क भी था? नहीं, टोनी स्टार्क तो तभी वहां से शायद भाग गया था। मैं थोड़ी देर बाद होश में आया था, मैं भी बेहोश हो गया था, एक्सीडेंट इतना तगड़ा था। और मैं सच बोल रहा हूं गाइस, ये झूठ बोल रहा है, इसको जरूर पता है मेरा टोनी स्टार्क कहां पर है। फ्रैंकी भैया से पूछो, हमारे टोनी भैया जिंदा भी है नहीं? चुपचाप बता यहां पर। और मैं जा कुछ नहीं पता, मैं सच बोल रहा हूं। गाइस, आपको क्या लगता है, क्या सच में रेडल ने हमारे टोनी स्टार्क को किडनैप किया या नहीं? अगर नहीं किया तो कमेंट में नो लिखो, और अगर आपको पता है कि टोनी स्टार्क कहां पर है तो प्लीज हमें पता बताओ। मैं सच बोल रहा हूं, जाकर देख लो, नहीं तो यकीन नहीं हो तो मैंने तेरा आयरन मैन का जो सूट था गिफ्ट वाला, वो नदी में फेंक दिया था। क्या? मेरा कोई सूट भी था? बिल्कुल, तेरा सूट था। अरे दोस्त, ये क्या, मेरे बर्थडे के लिए मेरा भाई इतनी तैयारियां कर रहा था, और अब शायद इस दुनिया में नहीं है वो। टोनी स्टार्क तो कहाँ चला गया? मुझे गाइस आज भी याद है, जब मैं, मेरा भाई सिंचन पिंचन चौप, हम सब गरीब हुआ करते थे, हमारे पास जाने के लिए सिर्फ एक साइकिल थी, तो टोनी स्टार्क ने मुझे कार गिफ्ट की थी, और वो कार अभी तक की मेरी सबसे फेवरेट कार है। मेरे भाई फ्रैंकलिन, रो मत। एक मिनट, ये क्या, टोनी स्टार्क, ये क्या है? ये हमारी कार है क्या? बिल्कुल, ये तुम्हारी फैमिली की कार है, मेरी तरफ से प्रेजेंट गिफ्ट है, खुश रहो हमेशा। बिल्कुल सही कहा, टोनी स्टार्क चला गया, मुझे नहीं लगता टोनी भैया हमें छोड़ के गए, वो जरूर जिंदा है। बिल्कुल सही कहा। गाइस, हमें सबसे पहले यहाँ पर ये पता करना होगा, असल में मेरा जो टोनी स्टार्क ने गिफ्ट मेरे लिए रखा था वो कहाँ पर गया? तो रेडल बोल रहा था उसने आसपास में नदी में वो सूट फेंक दिया था। यही नदी में आसपास फेंक देते फिर हमको कैसे मिलेगा? कुछ भी हो जाए, मैं अपने भाई का दिया हुआ गिफ्ट यहाँ पर ढूंढ कर रहूंगा। और गाइस, आज रोड पर इतना खाली खाली सब कुछ क्यों है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। आजकल गाड़ियां जा रही है। अरे बाप रे, हल्क भी आ गया। हल्क को यहाँ पर पता करना होगा कि असल में हमारा टोनी स्टार्क कहाँ पर गया। यही बिल्कुल सही कहा, टोनी भैया को ढूंढना हो गया। गाइस चलो जल्दी चलते हैं और जाकर ढूंढते हैं कि असल में टोनी स्टार्क जो मेरे लिए गिफ्ट लाया था वो असल में है कहाँ। बिल्कुल, नदी तो यही है लेकिन सूट कहाँ है? गाइस, अगर रेडल सच बोल रहा होगा तो हमें आयरन मैन का सूट जरूर यहाँ पर मिल जाएगा, जो टोनी स्टार्क ने मेरे लिए बनाया था। पता नहीं वो कैसा सूट होगा। एक मिनट, अरे गाइस,
रेडलॉक शायद सच बोल रहा था। ये देखिए यहाँ पर मुझे एक आयरन मैन का सूट दिख गया है। गाइस रेडलॉक सच में सच बोल रहा था। चलो एक काम करते हैं, इसको बाहर लेकर चलते हैं और चेक करते हैं क्या ये अभी भी काम कर सकता है। नहीं, ये तो बहुत बुरी तरह से डैमेज लग रहा है मुझे। जल्दी उठाता हूँ। अरे बाप रे गाइस, काश मेरा भाई टोनी स्टार्क भी मुझे मिल जाता, लेकिन पता नहीं वो कहाँ है। लेकिन दोस्तों हम लोग हार नहीं मानेंगे, हम टोनी स्टार्क को ढूंढ करेंगे। वो किसी भी मुसीबत में होगा हम उसको बचा के रहेंगे। लेकिन सवाल ये है कि असल में वो गया कहाँ पर, उसको कौन लेकर गया है। जल्दी जल्दी चलता हूँ। अरे बाप रे ये सूट काफी भारी हो गया है पानी भरने की वजह से। अरे बाप रे, अरे वाह कितना प्यारा सूट बनाया था टोनी स्टार्क ने, सब कुछ तबाह हो गया। आज हल्क को भी इतने प्यारे प्यारे गिफ्ट मिलते फिर टोनी स्टार्क कभी भी इस तरह से मरता नहीं। ऐसी बातें मत करो, मेरा भाई जरूर जिंदा होगा। गाइस मुझे सूट को ठीक करके इसको पहनना होगा और इसका इस्तेमाल करके अपने भाई को ढूंढना होगा। बिल्कुल सही कहा फ्रैंकलिन तूने, ओडिन की कसम। लेकिन हमारा टोनी स्टार्क गया कहां पर? बिल्कुल सही कहा फ्रैंकलिन भैया, टोनी स्टार्क भैया कहीं गया। गाइस तुम लोग चिंता मत करो, मैं काम करता हूं, न्यूज़ चेक करते हैं। अरे बाप रे ब्रेकिंग न्यूज़, यहां पर एक आयरन मैन इविल हो गया है और दुनिया के लोगों को पीट रहा है, खत्म कर रहा है। क्या? अरे बाप रे ये कैसी न्यूज़ है? एक मिनट, ये कितनी खतरनाक न्यूज़ सुनी मैंने अभी, आयरन मैन इविल बन गया है। नहीं नहीं गाइस, ये मेरा टोनी स्टार्क तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ये सब क्या चल रहा है, मुझे जाकर देखना पड़ेगा। यही फेक की भैया ये क्या? ओ नो, आसमान से इतने लोग क्यों करे? अरे हमें बचाओ, उस खतरनाक आयरन मैन से बचाओ। अरे भाई कभी सोचा ना था आयरन मैन इतना खतरनाक हो जाएगा। एक मिनट मैम, ये क्या हो गया, आप लोग कहां से? अरे हम सीधा लॉस सैंटोस से गिरे, वो आयरन मैन सबको मार रहे, पूरे लॉस सैंटोस तबाह कर रहे। क्या? नो, वो मेरा आयरन मैन नहीं हो सकता। अरे वो आयरन मैन ही है, उसने मेरे हस्बैंड को मार दिया। नहीं 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 गाइस, ये सब क्या चल रहा है? ओ नो, लॉस सैंटोस की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में इतना बड़ा धमाका, ये सब क्या हो रहा है? आज मैं सबको मार दूंगा। एक मिनट, ये तो टोनी स्टार्क की आवाज है। मेरे को सही कहा, ड्रोन से चेक करते हैं केशल में वहां चल क्या रहा है। लॉस सैंटोस के निवासियों, अवेंजर्स मेरे दुश्मन है, जब तक तुम लोग अवेंजर्स को मेरे हवाले नहीं करोगे कोई नहीं बचेगा, सबको मार दूंगा। ओ नो गाइस, ये क्या, टोनी स्टार्क अवेंजर्स का दुश्मन कब से हो गया? अरे बाप रे हल्क से ऐसी क्या गलती हुई? ए तुम लोग कौन हो, ये लो निकलो यहां से, सबको मार दूंगा। अरे भाई बचा। ओ नो टोनी स्टार्क, प्लीज रुक जा, प्लीज रुक जा टोनी स्टार्क, मेरी पास सुन। ओ नो दोस्तों देखिए क्या कर रहा है, सब कुछ खत्म कर दूंगा, तुम लोग यहां पर मेरी फैमिली को इतना परेशान करते हो, तुम्हें सजा मिलेगी। ओ नो दोस्तों ऐसा लगता है जैसे कि टोनी स्टार्क किसी के कंट्रोल में हो। बिल्कुल सही कहा फ्रैंकी भैया, एक बार आपका भी तो माइंड कंट्रोल हुआ था। हां बिल्कुल सही कहा, लगता है गाइस टोनी स्टार्क के साथ कोई तो कुछ गलत कर रहा है। गाइस अगर मैं सच सोच रहा हूं, अगर यही बात है कि टोनी स्टार्क का माइंड कंट्रोल कर रहा है तो प्लीज कमेंट में यस लिखो। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग? यही फ्रैंकी भैया, टोनी भैया को दिलाओ ना याद कि हम कौन है। तुम लोग कौन हो? हम तेरे भाई अवेंजर्स हैं। क्या? तुम तो मेरे दुश्मन हो। सुन तो, यहां पर हम तेरे अवेंजर्स हैं, तेरे भाई है, तेरे दोस्त है। बिल्कुल, तूने हल्क को एक बहुत ही बड़ा बर्गर दिया था, हल्क तुझे दिखाता है, शायद तुझे याद आए। बिल्कुल हल्क दिखा, शायद टोनी स्टार्क को पुरानी चीजें दिखाने से इसकी याददाश्त वापस आ जाए। ये देख टोनी स्टार्क, तूने हल्क के लिए इतना बड़ा बर्गर मंगाया था। ये क्या बचपना हो रहा है, ये क्या चीज है, इससे तो लोग मोटे होते हैं, तुम लोग मुझे मोटा करना चाहते हो, निकल जाओ यहां से। यही फेंकी भैया, इनको हमारी सुपर रिमोट कंट्रोल कार दिखाओ। ये देखिए टोनी स्टार्क भैया, ये हमारी रिमोट कंट्रोल कार है, आपने हमारे बर्थडे पे गिफ्ट की थी, प्लीज हमें याद कर लो। बिल्कुल टोनी स्टार्क, प्लीज हमें याद कर ले। प्लीज बता दे तेरी फैमिली कौन है। वो बहुत खुफिया चीज है, मैं तुम्हें क्यों बताऊं, तुम मेरे दुश्मन हो और ये क्या बचकानी हरकत है, और यहाँ निकल जाओ, तुम मेरे दोस्त नहीं दुश्मन हो, अवेंजर्स हो तुम, सब मरोगे। अरे गाइस कमेंट में बताओ टोनी स्टार्क को कि हम इसको मिस करते हैं, आई मिस यू आयरन मैन लिखो, मेरे भाई प्लीज वापस लौटा। नो गाइस मुझे लग ही नहीं रहा है मेरा आयरन मैन है, मेरा आयरन मैन इतना बुरा नहीं हो सकता। मैं तुम्हारा आयरन मैन बिल्कुल भी नहीं है, तू बिल्कुल सही सोच रहा है। अरे बाप रे, मैं तो सबको मार रहा है, आज के बाद लॉस सैंटोस में मेरा और मेरी फैमिली का राज होगा। अरे बाप रे गाइस अब हम क्या करें, ये क्या हो गया। गाइस अगर आपको कोई भी क्लू हो कि टोनी स्टार्क को किसने माइंड कंट्रोल में कर रखा है, किसने वश में कर रखा है, तो प्लीज उनका नाम लिखो। बिल्कुल सही कहा, उसके लिए तो हमें शायद टोनी स्टार्क का पीछा करना होगा। बिल्कुल सही कहा फ्रैंकी भैया, जल्दी जाइए और जाकर पीछा कीजिए। गाइस बिल्कुल सही कहा लोगों ने, मैं जल्दी जाता हूं और जाकर पीछा करता हूं टोनी स्टार्क का, असल में वो जा कर आए, उसकी फैमिली है कौन, असल में किसने यहां पर मेरे टोनी स्टार्क को कंट्रोल किया और उस समय कैसा एक्सीडेंट हुआ था। एक मिनट, ये क्या, ये तो जायंट ग्रीन हल्क है, जायंट रेड तत्व हल्क है, साथ साथ में जायंट ब्लैक हल्क भी है। अरे मजा आ गया, टोनी स्टार्क कमाल कर दिया तूने तो, हमारा नाम रोशन कर दिया। हां बिल्कुल सही कहा टोनी स्टार्क, तू हमारी फैमिली का बहुत मेजर मेंबर है। बिल्कुल सही कहा भाई टोनी स्टार्क। अरे टोनी स्टार्क तेरा अगला मिशन है कि तुझे अवेंजर्स का स्टार्क मेंशन तबाह करना है। ध्यान रखना, अवेंजर्स मारना मत, बस उनको गरीब
गरीब बना दे। ठीक है, स्टार्क मेंशन भी तबाह हो जाएगा। जावेस, मेरा आयरन मैन का सूट मुझे पहनाओ। मैं अभी कभी यहाँ से निकलता हूँ और जाकर स्टार्क मेंशन को तबाह करके आता हूँ। ओह नो गाइस, ये क्या? टोनी स्टार्क को बाकी सारी चीजें याद है, जार्विस को ऑपरेट करना, अपना सूट पहनना, आयरन मैन की पावर्स यूज करना, लेकिन दोस्तों इसको ये याद क्यों नहीं है कि ये सब चीजें इसके एवेंजर्स से जुड़ी हुई है। ये देखो, ये मेरा सूट बहुत ही होनहार है, मैं इसको पहन कर जाऊंगा और जाकर खत्म कर दूंगा, पूरे के पूरे स्टार्क मेंशन को तबाह कर दूंगा। बिल्कुल, जाओ टोनी स्टार्क, जल्दी से जा। अब यहाँ पर एवेंजर्स नहीं बचेंगे और वो नमूना कलवा फ्रैंकलिन भी नहीं बचेगा। भाई साहब, यहाँ फ्रैंकलिन भी है तो बहुत ज्यादा बुरी बात है, तो एवेंजर्स के पास जा रहा है। अरे एवेंजर्स तो हम यहाँ पर है, एक मिनट, अगर हम यहाँ पर है तो स्टार्क मेंशन कोई नहीं है। मेरी बात सुनो गाइस, तुम में से कुछ लोग स्टार्क मेंशन जाओ और जाकर स्टार्क मेंशन को प्रोटेक्ट करो टोनी स्टार्क से, उसको याद दिलाने की कोशिश करो। बाकी मैं यहाँ पर इस ग्रीन हल्क की फैमिली से पूछने की कोशिश करूंगा कि इन्होंने मेरे भाई टोनी स्टार्क को ऐसी कौन सी दवाई दी है जिसकी वजह से वो इनके वश में हो गया है, उसका माइंड कंट्रोल कर रहे हैं, कोई तो सोल्यूशन होगा ना। बिल्कुल सही कहा, हम में से कुछ लोग जाते हैं सीधा स्टार्क मेंशन टोनी स्टार्क को समझाने, बाकी के यहाँ पर लोग कोशिश करो टोनी स्टार्क को ठीक करने की। ओटिन क्यों सा, मैं जल्दी जाता हूँ और जाकर कार या बस लेकर आता हूँ, हम सब सभी निकलेंगे और जाकर अपने स्टार्क मेंशन को बचा के रहेंगे। आ जाओ दोस्तों, मिलिट्री ट्रक में चलते हैं। बिल्कुल, चलो जल्दी चलते हैं। और मैं भी चल रहा हूँ, ही मैं चल रहा हूँ, बाबा साहब मैं भी चल रहा हूँ। मैं ठीक है, तुम दोस्तों चले जाओ, मैं फ्रेंकी भैया के साथ रहता हूँ। बाबा साहब हम अपने टोनी स्टार्क को रोक के रहेंगे। ओटिन क्यों सा, मैं टोनी स्टार्क को पता कर रहा हूँ कि असल में हम उसके दोस्त हैं। बिल्कुल सही कहा। हाँ बिल्कुल सही कहा तूने भाई, तो और जल्दी से चल, पूरी स्पीड में निकलते हैं और जाकर अपने टोनी सर को बताते हैं कि हम उनके कितने अजीज हैं। भाई साहब मैं तो टोनी स्टार्क के गाले लग जाऊंगा, आपको याद दिला दूंगा वापस से, कुछ भी हो जाए। गाइस चलो हम जल्दी चलते हैं और जाकर इस ग्रीन हल्क से, नहीं गाइस ग्रीन हल्क तो बहुत बड़ा है, मैं इस ब्लैक हल्क से पूछूंगा। हे, अरे बाप रे, तू यहाँ क्या? अरे बाप रे, चुपचाप यहाँ पर बता, तूने मेरे भाई के साथ क्या किया है? मैंने क्या किया, वो जैसा है वैसा ही है। नहीं, तूने उसको ईविल बनाया है। मैंने किसी को ईविल नहीं बनाया, मैंने तो बस उसकी आंखें खोली है कि तुम लोग कितने लालची हो, तुम टोनी स्टार्क के बिना कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल सही कहा मेरा छोटा भाई, तूने ये लोग मतलब ही है। अरे बाप रे, हल्क सिर्फ बर्गर का मतलब है और कुछ नहीं है। अरे बाप रे, क्या हो रहा है? अरे बाप रे गाइस, ये ब्लैक रिवेंजर तो बहुत बुरा मार रहा है, प्लीज किसी भी हालत में बता दो तुमने उसके साथ क्या किया है। नहीं गाइस, ये ऐसे नहीं मानेंगे, मुझे कोई और तरीका ढूंढना पड़ेगा, इनको पूरी तरह से खत्म करना होगा, तभी ये बताएंगे कि असल में इन्होंने किया क्या है। बिल्कुल सही कहा, लेकिन उसके लिए हम करेंगे क्या? काश गाइस मेरे पास सुपर पावर्स होती, आइडिया, मैं अपने आयरन मैन के सूट को बुलाता हूं। एक मिनट गाइस, अरे वाह, फिर आयरन मैन का सूट आ रहा है। अरे वाह, हल्क के पास भी गाइस ऐसा आयरन हल्क का सूट होता है। अरे वाह फ्रैंकलिन भैया, आपका सूट तो काफी अच्छा है। लगता है गाइस यहां पर मेरा सूट ऑटोमेटिकली रिपेयर हो गया है, टोनी स्टार्क ने फीचर डाल रखा होगा। चलिए काम करते हैं, इस सूट को अभी कभी पहनते हैं और यहां पर अब मैं खबर लेता हूं इस ब्लैक रिवेंजर की, उसके बड़े भाई की, इस रेड अद्दुल की। अरे बाप रे, ये कौन सा आयरन मैन है? अरे ये तो कलवा है। अरे बाप रे, इसको मार दो। तुम मुझे मारोगे? सबसे पहले मैं तुझे मारूंगा। चुपचाप यहां पर बताओ तुमने मेरी फैमिली के साथ क्या किया है। जिससे कि दोस्तों यहाँ टोनी स्टार्क को ठीक कर पाए। अरे प्लीज, इतना बुरा मारेगा तो हम बताएंगे कैसा? अरे हम बताते हैं, हम तैयार है। अरे बिल्कुल, अरे बापरे, जान से मार दिया। फाइनली गाइस यहाँ पर मैंने इनकी बैंड बजाती, वो छोटा वाला ब्लैक रिवेंजर का है। ब्लैक रिवेंजर, तू मुझसे बच नहीं सकता। अरे प्लीज, अरे फ्रैंकलिन क्या कर रहा है? तू तो यहाँ पर पूरा घर तबाह कर देगा, हमारा सारा माल चला जाएगा। और बताते हैं, हमने असल में उस पे मिस्टर रेड का दिया हुआ जादू इस्तेमाल किया है। असल में अगर उसकी याददाश्त वापस दिलानी है तो एक ही तरीका है, उसकी सबसे गहरी यादें दिखाओ, उसके सामने लाओ, उसके बाद ही वो ठीक हो सकता है। ओ, तो गाइस अगर टोनी स्टार्क की याददाश्त वापस लानी है तो कोई ऐसी स्पेशल मेमोरी हमें उसके साथ शेयर करनी होगी जो उसकी जिंदगी की सबसे स्पेशल और सबसे अजीज रही होगी। वो ऐसा क्या हो सकता है? शायद उसका आयरन मैन बनना, नहीं कुछ और हो सकता है। शायद उसका अवेंजर्स टीम को ज्वाइन करना, नहीं कुछ और हो सकता है। मुझे पता है क्या है गाइस, उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा अपने घर पर। गाइस असल में मेरे पास एक ऐसी फोटोग्राफ है जिसमें हम सारे अवेंजर्स का एक बहुत ही खूबसूरत सा एंजॉय करने वाला फोटोग्राफ है। और गाइस उसी फोटोग्राफ को टोनी स्टार्क देखकर बहुत ज्यादा खुश हो गया था, मुझे याद है अभी भी, वो बहुत खुश हुआ था। उसकी कॉपी उसने मुझे दे दी थी क्योंकि वो चाहता था कि हमेशा मैं अवेंजर्स के साथ रहूं। एक मिनट गाइस, लेकिन यहाँ, अरे फोटोग्राफ यही होनी चाहिए थी, कहाँ गई? ओह नो दोस्तों, ये क्या हो गया, फोटोग्राफ कहाँ गई? उस फोटोग्राफ के बिना शायद कुछ नहीं हो सकता, आयरन मैन की कभी मेमोरी वापस नहीं आएगी और वो अपने साथ साथ सारे एवेंजर्स को तबाह कर लेगा और इस दुनिया को भी। हमें दोस्तों अपने भाई को वापस लाना पड़ेगा, मुझे उसकी बहुत याद आ रही है गाइस। मैं अपने भाई टोनी स्टार्क को ढूंढ कर आऊंगा। गाइस एक मिनट, ये किसके हंसने की आवाज आ रही है? मजाक की कसम, कम से कम $1 million में बिकी है फोटोग्राफ। क्या
ये तो रेडल की आवाज है और वो फोटोग्राफ बेचने की बातें कर रहा है। ये रेडल कभी सुधरेगा नहीं, चोर कहीं का। ए रेडल, यहाँ क्या कर रहा है? अरे बाप रे, तू कौन है कलवा? मैं फ्रैंकलिन हूँ। पहले मुझे ये बता, तूने कौन सी फोटोग्राफ बेची है? प्लीज, मैं किसके बदले में तुझे कम से कम बहुत सारे पैसे दूंगा। अरे मैंने असल में तुम्हारी फोटो बेच दी। क्या, तुझे सिर्फ वही फोटो बेचती थी? तो उसने कहा मुझे असल में ऑर्डर मिला था, ब्लैक रिवेंजर ने कहा था वाला फोटो बेचूंगा तो 1 मिलियन मिलेंगे। तुझे यहाँ पर कुछ भी करना था, मेरा घर बेच देता, लेकिन वो फोटो क्यों बेची? मैं तुझे चांद से मार दूंगा। मुझे पता वो फोटो कहाँ पर है। अरे बाप रे, अच्छा ठीक है मैं बताता हूँ मुझे कितना मारेगा। जल्दी बता मुझे कहाँ पर है वो फोटोग्राफ, पता था क्यों नहीं है? अरे मैंने वो नॉर्थ यंगटन के लिए भेज दी, अब तक तो वो नॉर्थ यंगटन पहुंच भी गई होगी। क्या? ओह नो, नॉर्थ यंगटन तो यहाँ से गाइस बहुत दूर है। मोटे तूने क्या कर दिया ये? गाइस मुझे जल्दी से शिनचैन और हल्क को साथ लेकर चलना पड़ेगा। हल्क, शिनचैन, हल्क फोड़ेगा। अरे माफ भी कर दो प्लीज, हमारे हाथ में नहीं है उसको ठीक करना। मैं ठीक करके रहूंगा अपने भाई के। तुम लोग अभी मेरे साथ चलो सीधे नॉर्थ यंगटन। अरे बाप रे, हम वहां की जा रहे हैं, हमें तो टोनी भैया को ठीक करना चाहिए। हम टोनी स्टार्क को ठीक करने के लिए नॉर्थ यंगटन जा रहे हैं। हमें हमारी फैमिली का स्पेशल फोटोग्राफ चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ हमें नॉर्थ यंगटन में मिलेगा। अरे बाप रे, ये क्या, ये तो जायंट रेड रिवेंजर है। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? गाइस मुझे पता था रेड ने जरूर किसी खतरनाक आदमी को वो फोटो बेचा होगा। देखिए रेड रिवेंजर को, इसने हमारी इतनी प्यारी खूबसूरत फोटो बेच दी जिसमें हम सबका फोटो था। अरे बाप रे, तुम लोगों को जान से मार दूंगा, निकल जाओ यहाँ से। इसलिए दोस्तों मैं हल्क को और शिनचैन को अपने साथ लाया हूं। गाइस तुम लोग यहाँ पर फोटोग्राफ को प्रोटेक्ट करो, बाकी इस रेड रिवेंजर की मैं बैंड बजाता हूँ। रेड रिवेंजर, मुझे फोटोग्राफ चाहिए पूरे 1 मिलियन में। खराब बाप रे, 1 मिलियन? मैं तुझे इसका 1 रुपया ना दूं, ये हमारी है, इस पर हमारा हक है, समझा? ये ले। वाह गाइस, मैंने यहाँ पर रेड रिवेंजर की अच्छी वाली बैंड बजा दी। एक काम करते हैं, अब जल्दी से उस फोटोग्राफ को लेके चलते हैं अपने भाई टोनी स्टार्क के पास और जाके गाइस उसको सारी यादें दिलाते हैं। बिल्कुल, हल्को टोनी स्टार्क की याद आ रही है। मुझे भी टोनी भैया की याद आ रही है, वो कितने प्यारे प्यारे एक्सपेरिमेंट करते थे और अब तो वो सब कुछ तबाह करने में लगे हुए हैं। प्लीज टोनी भैया वापस आ जाओ। हमारा टोनी जरूर वापस आएगा। मैं तुम्हें मार दूंगा, सामने से हटो। मुझे स्टॉक मेंशन तबाह करने का आदेश मिला है, तुम्हें नहीं। प्लीज, हम मरेंगे तो हमारा स्टॉक मेंशन भी मरेगा, हम साथ में मरेंगे। ए क्या कर रहे हो, हटो यहाँ से। प्लीज एक बार इसको देखो। ये क्या चीज है? एक मिनट, इसमें मैं क्या कर रहा हूँ और तुम लोग क्या कर रहे हो? ये सब क्या है? हाँ, क्या चाहते हो तुम लोग? प्लीज याद करने की कोशिश कर, हम साथ में हमने कितनी मस्ती करते करते फोटो खिंचाया था। एक मिनट, ये मुझे सब कुछ याद आ रहा है। ये तो शिनचैन पिनचैन चॉप। अरे हाँ बिल्कुल गाइस, एक मिनट, ये तो तुम सब मेरे प्यारे दोस्त हो। एक मिनट, मैं यहाँ पर क्या कर रहा था? मेरे भाई तू वो छोड़ तुम्हारे पास वापस आ गया, मुझे बहुत खुशी होगी। बिल्कुल सही कहा तूने, लेकिन बाकी उन लोगों क्या? हमने उन सबको सबक सिखा दिया। यही फैकी भैया, वैसे यहाँ पर आपकी गिफ्ट का क्या? आपका बर्थडे तो है नहीं, मुझे दे दो। चुप रहे, वो गिफ्ट मेरा है। बाकी गाइस आपको स्क्रीन पर जो वीडियो दिख रहे हैं वो भी देख लो, बहुत मजा आएगा। थैंक यू सो मच। Hey!